सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अनमोल शुक्ला एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद मी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। एक काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर और टॉपिक जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को आप प्लेलिस्ट में जाके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स की उसमें भी देख सकते हो। वहां पर भी मैंने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है ये बताया है। आप बोलोगे यहाँ भी बता रहे हो, वहां पर मैंने स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर के बारे में भी बताया है, उनके बीच में एक डिफ्रेंसिएशन किया है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में हम कुछ और नई बातें करेंगे, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन चाहिए इस टॉपिक का आपके अपने दिमाग में। और बहुत सारी चीजें अगर समझनी है तो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स की प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर नाम का एक टॉपिक है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है। लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। आल्सो इफ यू हैवंट जॉइंड माय टेलीग्राम चैनल है, जॉइन इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लेट्स सपोज आई एम अ रैंडम पर्सन और मैं किसी कंपनी के कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं जब कल्चर को देखता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैं कुछ चीजें देखता हूँ। उसमें काम कर रहे इंप्लॉइज का तरीका मैं देखता हूं, assumptions को जो मानने पड़ते हैं as you're doing some work, so as an employee is doing some work in the organization, कुछ assumptions, कुछ चीजें मान के करना पड़ता है काम, beliefs, values, इस तरीके से मैं कहीं ना कहीं समझूंगा उस organization के कल्चर को कि उनकी values क्या है, beliefs क्या है उस particular organization की। So organizational culture, it's all about assumptions, values and beliefs. So organizational culture refers to a system of shared assumptions, values and beliefs, जो कि employees को ये show करते हैं कि what is appropriate and what is inappropriate behavior in the organization. तो ये system जो है shared assumptions, values और beliefs का, जो कि employees को बताए कि क्या appropriate, क्या सही और क्या inappropriate behavior organization के अंदर में, यही organizational culture होता है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऊपर ऊपर से जो हमें दिखता है कि भाई आपको पॉलिसीज बना दी जाती कि आपको फॉर्मल क्लोथ्स में आना है, दैट्स व्हाट आल्सो द कल्चर इज। आपको मीटिंग में ज्यादा बात नहीं करनी है, जब आपसे बॉस पूछे, सीईओ पूछे तभी आपको बोलना है, मैनेजर पूछे तभी आपको बोलना है। सो दैट्स व्हाट द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग कल्चर होता है। आई होप यू गॉट एन आइडिया। सो इट्स ऑल अबाउट कि भाई जो कल्चर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी assumptions, values और beliefs हैं जिन पर employees काम कर रहे हैं, और जो employees को बताते हैं कि किस तरीके से काम करना है और क्या सही तरीका है काम करने का, क्या गलत तरीका है, या क्या appropriate या inappropriate behavior है। These values have a strong influence on employee behavior as well as organization performance. और इन values का, ये जो वैल्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इंप्लॉय की बिहेवियर पर, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर भी। तो अगर इंप्लॉय के बिहेवियर पर फर्क पड़ेगा तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन में काम तो इंप्लॉयज ही कर रहे हैं। सो दीज वैल्यूज डेफिनेटली हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन इंप्लॉय बिहेवियर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन्स परफॉर्मेंस। कल्चर इज बाय एंड लार्ज इनविजिबल टू द इंडिविजुअल्स। डेफिनेटली ज्यादातर कल्चर जो होता है, ये जो वैल्यूज, ये बिलीव्स, ये अजम्पशंस हैं, दे आर नॉट विजिबल। सो डेफिनेटली दे आर इनविजिबल टू द इंडिविजुअल्स। बट डेफिनेटली इफ यू हैव वर्कड इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उन लोगों में से हैं जैसे आपने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको आइडिया होगा ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का। मे बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने काम किया, देयर वाज अ प्लेस, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, वेयर इंप्लॉइज ड्रेस्ड फॉर्मली, वहां पर इंप्लॉइज फॉर्मली ड्रेस कर रहे थे। सो दैट इज ऑल्सो शोइंग सम हाउ द कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। Maybe the first organization where you have worked, it was completely inappropriate to question your boss in a meeting. It was important even ki jis din chutti hai ki aap email check karo, aap mails check karo apni raat mein bhi, as well as during the weekends ki kuch mails to nahi aayi hai. So ye kahin na kahin ye jo cheeze hai kahin na kahin us organization ke culture ke bare mein bahut kuch batati hai. So, अब लेवल्स क्या देखने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। डीपेस्ट लेवल पे अगर हम एकदम कोर पे जाएं, बिलो आर अवेयरनेस लाई बेसिक अजम्पशंस, तो एट द डीपेस्ट लेवल हमारी अवेयरनेस के भी नीचे, जहां पर हमारी अवेयरनेस लाई करती है, हम किसी चीज के लिए अवेयर होते हैं, उसके भी नीचे जहां कुछ कोई चीज लाई करती है, वो होती है बेसिक अजम्पशंस। वी आर टॉकिंग अबाउट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सो एट द डीपेस्ट लेवल
बिलो अवर अवेयरनेस, जहां तक हमारी अवेयरनेस भी नहीं पहुंच पाती, वो है बेसिक अजम्पशंस। बेसिक अजम्पशंस जो हमें बेसिकली जो चीजें हमें मान के चलनी पड़ती है, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताएगा बट हमें मान के चलनी पड़ती है कि काम ऐसे होगा। बट अजम्पशंस समटाइम्स आर टेकन फॉर ग्रांटेड एंड दे रिफ्लेक्ट बिलीव्स अबाउट ह्यूमन नेचर एंड रियलिटी। और कहीं ना कहीं उनसे पता चलता है कई बार ये अजम्पशंस जो एकदम बेसिक होते हैं, जो कि लाई करते हैं बिलो आर अवेयरनेस, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड। एंड आई थिंक द पॉसिबल रीजन इज दैट ओनली दैट इट लाइज बिलो आर अवेयरनेस, सो वी आर नॉट इवन अवेयर अबाउट दैट। सो दे आर बेसिक अजम्पशंस, दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड एंड दे रिफ्लेक्ट बिलीव्स अबाउट ह्यूमन नेचर रियलिटी। एंड वेन दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर और रियलिटी के बारे में दर्शाते हैं। एट द सेकेंड लेवल, डीपेस्ट लेवल नहीं, एट द सेकेंड लेवल डीपेस्ट के थोड़ा सा ऊपर जाओ, वहां पर एग्जिस्ट करती है आपकी वैल्यूज। वैल्यूज में आपके प्रिंसिपल्स आते हैं, आपके मॉरल वैल्यूज आती हैं, स्टैंडर्ड्स आते हैं और गोल्स आते हैं जो आपने सेट किए। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हियर। सो एट द सेकेंड लेवल वैल्यू एग्जिस्ट, वैल्यूज आर शेयर्ड प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स। फाइनली ऊपर गए, सरफेस आ गया, तो एट द सरफेस ऑर्गेनाइजेशन की विजिबल टेंजिबल एस्पेक्ट्स हो गए, जैसे ड्रेस कोड, बात करने का तरीका, ये सारी चीजें। सो वो सरफेस लेवल पे हो गई। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के लेवल्स हैं। डीपेस्ट लेवल में बिलो आर अवेयरनेस बेसिक अजम्पशंस हैं, जिनको मान के आपको काम करना होता है, जो कंपनी बताएगी नहीं वो तो खुद आपको समझदारी से करने होते हैं। एट द सेकेंड लेवल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, गोल्स शेयर्ड, विच आर ऑफन शेयर्ड बाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो विद सम डॉक्यूमेंट, द मिशन स्टेटमेंट मे बी। एंड फाइनली एट द सर्फेस लेवल वी हैव विजिबल टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड दैट are told by the organization itself. So these are the levels of organizational culture. ये जो है extra आपको दे रहा हूँ as a content, आप एक flow chart बना सकते हो organizational culture का, कोई भी question आए तो उसमें ये flow chart बना सकते हो, एक अच्छा impact बढ़ता है examiner के लिए और आपको definitely अच्छे marks जो है वो मिलेंगे। Visual elements क्या है culture के, जो हमें दिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कहीं ना कहीं उसके कल्चर को बतलाते हैं। विजुअल एलिमेंट्स कल्चर के क्या हो सकते हैं, मिशन स्टेटमेंट कंपनी का। मिशन स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वीडियो जरूर देख लें मिशन स्टेटमेंट की, आपको मिल जाएगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स में कि मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिक्स में आप जाके पढ़ सकते हैं। स्टोरीज की मदद से चीजें एक्सप्लेन की जाए, मॉरल वैल्यूज बिल्डअप की जाए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एथिकल वैल्यूज बिल्डअप की जाए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग बताया जाए। फिजिकल लेआउट हो सकता है, रूल्स एंड पॉलिसीज हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, रिचुअल्स हो सकते हैं जो वो करते हुए चली आ रही है और ऐसे ही चीजें करनी है। सो दीज आर द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ कल्चर दैट कैन बी सीन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको समझ में आई है। कोई भी इशू हो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।